ये है लीच, हमारा आधा लीटर खून चूस चुका है, अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। पूरा जंगल में ये लीच भरा हुआ है, अभी हमारे बॉडी से ये सब निकल रहा है। अभी टिश्यू पेपर में मैं एक सैंपल आपको दिखाने के लिए पकड़ के लाया हूँ। नहीं भी रमजीम देखिए कैसे चलता है। और एक आपका पॉइंट स्किन के ऊपर चिपक के ये खून पीता रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, मैं वर्षा और रिमझिम पेरियर टाइगर रिजर्व में 2 दिन का ट्रेकिंग एंड कैंपिंग कर रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज का 3rd पार्ट है। पहले एपिसोड में आपने देखा था कैसे हम लोग 9 किलोमीटर टाइगर रिजर्व में ट्रेक करके अपने कैंप साइट में पहुंचे थे। लंच के बाद रेस्ट करके हम लोग फिर जंगल में घूमने जा रहे हैं। आज का वीडियो में वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। होप यू एंजॉय द वीडियो। फिर से हम लोग निकल पड़े हैं जंगल की ओर। जंगल की ओर तो नहीं, जंगल के अंदर ही है, जंगल में घूमने के लिए। सोने के बाद पैर में जान आ गया, जैसे मैं फ्री महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ आया था लग रहा था कि मैं एक कदम नहीं चल पाऊंगा। और अच्छी बात यह था कि तुरंत में हम लोग खाना दे दिया पहुंचते के साथ, कि हम लोग खा के ही सो गए। डिफेंस के लिए हमारे पास है एक बंदूक और एक डंडा। मेरे पास कैमरा है, वो कोई जंगली जानवर के अगेंस्ट में काम नहीं आएगा। बारिश जोर से आने वाला है, हमारे पास तो रेनकोट नहीं था, लेकिन ये लोग एक रेनकोट और 2 छाता अरेंज करके दिया है, नहीं तो हम लोग तो भीग ही जाते हैं। तो वापस खुले में आ गए हैं। पता नहीं इस बार कहाँ किस डायरेक्शन में जाएंगे। इंडियन गौर के डंग के ऊपर मशरूम हुआ है। जिम, एनी गेस इस मशरूम का टेस्ट कैसा होगा? हमारे साथ एक और जानवर जुड़ चुका है। यह अजीबोगरीब जानवर क्या है? अरे जोर से बारिश आ रहा है, ये छाता से कुछ होने वाला है नहीं। एक बार फिर हम लोग डेंस फॉरेस्ट के अंदर घुस रहे हैं, ये खुला जगह छोड़ के। अभी यहाँ हमें 3-4 सांबर डियर दिखा। एक सांबर डियर तो हमें देख के अजीब वगरीब आवाज करने लगा। Thank you.
क्या मिला तुम्हें? टाइगर कब दिखाओगे? हम लोग अभी कुछ देर पहले कैंप साइट में वापस आ चुके हैं और खाना रेडी है। तो पहले भूख तो बहुत लगा है। आज कुल मिला के हम लोग 14 से 15 किलोमीटर पैदल चले हैं। यहाँ छोटा सा ऑफिस है, खाने का उसमें ही व्यवस्था है। सब्जी, चावल, सांबर, पापड़ और क्या चाहिए? मैडम, खाना बेसिक था लेकिन बहुत टेस्टी था। जंगल में सोने का अनुभव ही कुछ और था। चारों तरफ से कई जानवरों का आवाज हमें सुनाई दिया। क्लियर स्काई था इसलिए तारे एकदम झिलमिलाते हुए दिख रहे थे और हम लोग ये आवाज सुनते सुनते कब सो गए पता नहीं। आज का कहानी यहीं तक रहेगा। अगले एपिसोड में आप देखेंगे हम लोग सुबह कैसे फिशिंग करने गए लेक में, ब्रेकफास्ट के बाद जंगल का और सैर किए और ट्रेक करते हुए कैसे वापस फॉरेस्ट चेक पोस्ट तक पहुंचे। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।